नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। लास्ट जो हमने क्लिनिकल मेटेरिया मेडिका का सीरीज का जो वीडियोस बनाए, आपने उनको अच्छा रिस्पांस दिया और उसको बहुत ही बढ़िया सराहा है उसको, और कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं। मैंने उनका रिप्लाई भी दे दिया है। अभी भी कोई डाउट हो आपको, आप कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा ताकि होम्योपैथी के रिलेटेड बहुत सारे जो डाउट्स हैं आपका क्लेरिफाई हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ इनको ज़रूर शेयर करिए ताकि ये चीज़ें हर एक इंसान तक पहुंचे। होम्योपैथी के बारे में जानना सबका अधिकार है, क्योंकि प्रॉपर साइंटिफिक वे में अगर ट्रीटमेंट कहीं पर होता है तो सिर्फ होम्योपैथी में होता है। बाकी सब नॉर्मल ऐसे ही सिम्टोमेटिकली देते हैं, लेकिन आर्ट हो, साइंस हो, हर तरह के सिस्टम में इन्वॉल्व है होम्योपैथी में। हर एक क्रॉनिक डिजीज और जो डीप एक्टिंग डिजीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक मेडिसिन के हिसाब से वो क्योर होता है। एक्यूट और एमरजेंसी यूजेस के लिए कोई सडन कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए आप एलोपैथी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज में हमेशा होम्योपैथी का इस्तेमाल करें और वीडियोस को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वो पर्टिकुलर पॉइंट्स में देने की कोशिश किया है इन वीडियोस में, और भी बहुत सारे वीडियोस है आने वाले दिनों में चलेगा। आज का जो वीडियो है उसमें भी मैंने पर्टिकुलर पॉइंट्स देने की कोशिश की है। जब भी आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है तो कैसे आप उसको जज करें, उसके बातों से, उसके हाव भाव से कैसे हम उसको जज करें और क्विकली जो मेडिसिन है उसको प्रेस्क्राइब करें, वो शॉर्टकट टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ इन वीडियोस के माध्यम से जो क्लिनिकल मेटेरिया मेडिका का सीरीज है। तो गौर से देखिए हर एक वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक, और बिल्कुल स्किप ना करें। आज का भी वीडियो जो मैंने प्रेजेंट किया है माइंड का की नोट्स है, मेंटल सिम्टम्स के रिलेटेड जो की नोट्स है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेशेंट हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो अगर आपके क्लिनिक में आता है या आपसे बोलता है दवा प्रेस्क्राइब करने से पहले कुछ मेंटल पिक्चर्स उसके सामने आते हैं, तो वो पर्टिकुलर की नोट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम्स क्या है और उसके मुताबिक कौन कौन सी दवाइयाँ स्पेसिफिक रहेगी, 3-4-5 के लिमिटेड दवाइयाँ, वो अगर आप जान गए तो आपको दवा का सिलेक्शन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। होम्योपैथी में यही प्रॉब्लम है कि एक सिम्टम का मल्टीपल 20-30-40 दवाइयाँ रहती हैं, तो उसके अंदर आपको सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से, अभी जो सीरीज क्लिनिकल मेटेरिया मेडिका का चल रहा है उसमें लिमिटेड कर दे रहा हूँ, बहुत ही उसको नैरो कर दे रहा हूँ कि लिमिटेड 4-5-6 दवाइयों के बीच में अगर आपको सिम्टम सिलेक्शन करना मिल जाए तो बहुत ही ईजी रहेगा और क्विकली आप दवा प्रेस्क्राइब कर पाएंगे, क्योर भी बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये स्नैपशॉट क्विक प्रेस्क्राइबिंग टेक्निक्स जो है आप ज़रूर सीखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ये चीज़ें आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। मैं अपने जो जितने एक्सपीरियंस है 15-16 साल का उसके अंदर से, या फिर अपने जितने भी किताबें हमने पढ़ी हैं उनको निचोड़ के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ज़रूर देखिए अंत तक, हर एक वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। सबके लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो आज का वीडियो मेंटल की नोट्स के ऊपर मैंने स्लाइड्स के माध्यम से उनको बताया है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए, आप उसको नोट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसको डेली अप्लाई कर सकते हैं। तो मेंटल की नोट्स जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आइए स्लाइड्स के माध्यम से हम जानते हैं और उसको अच्छी तरह से सीखते हैं। तो आइए देखते हैं वो स्लाइड्स, आइए देखते हैं वो टॉप माइंड की नोट्स क्या है और उनका बेस्ट जो होम्योपैथिक दवा है मैं आपको बताऊंगा, आप उसको नोट करके लिख लेना, बहुत काम में आएगा, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। सबसे पहला है चाइल्ड क्राइस एंड विंस, बच्चा रोता है, किसी को छूने ही नहीं देता, ये पर्टिकुलर सिम्टम आपको एंटीमटाट, एंटीमक्रो और सानिकुला में मिलेगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि जो औरतें हैं, बच्चे हैं या फिर लड़कियां, अक्सर चीज़ें गिरा देती है, चौंक जाती है और जिस चीज़ें अपने हाथों से गिरा देती है, एपिस बोविस्टा नेट्रोम्यूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इन तीन तरह के लोगों के लिए। एक्सेसिव नर्वस, बहुत सारे नर्वस सिस्टम के बीमारियों के लिए, और बहुत ज़्यादा डर जाना, अचानक से कोई भी स्ट्रॉन्ग साउंड से, ज़ोर से अगर कोई आवाज़ आती है तो चौंक जाती है, और खांसने से, छींकने से, इस तरह के जो लाइटिंग जो दिया सिलाई जो लगाते हैं वहाँ के, उसके स्पार्क से अक्सर वो डर जाना, नर्वस इरिटेशन होना। कुछ मेडिसिंस में है जो है बोरैक्स, एसरम, कैलेडियम, टेरेंटुला, नक्स वोमिका एंड थेरेडियम, ये इंपॉर्टेंट है न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन है इन इस तरह के नर्वस सिस्टम के जो वीकनेस में, चौंक जाने वाले प्रॉब्लम्स के लिए। कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुइसाइड, सुइसाइड करने की इच्छा होती है और कर भी लेता है, नाजा और मेटेलिकम ट्राई करता है, बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, लेकिन कुछ लोगों में इच्छा तो होती है, बोलता तो है लेकिन वो करने से उसको घबराता है, डर लगता है, नक्स वोमिका में है वो पर्टिकुलर सिम्टम। चाइल्ड फियर ऑफ फॉलिंग, ग्रास्प द क्राइसिस इन द नर्स, बच्चे को
नीचे उतरते वक्त या कहीं भी गिर जाने का डर रहता है, वो कस के पकड़ लेते हैं नर्स को या फिर अपने माँ को अपने बाप को, कहीं भी किसी कोई भी साथ में हो तो उसको कस के पकड़ लेता है। तो ये पर्टिकुलर लक्षण है बोरेक्स सैनिकुलर जलसीमियम में, हमेशा बच्चे को भय रहता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ, नहीं मैं गिर जाऊँगी, ऐसा भय रहता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक ब्लू कंडीशन, एवरीथिंग सीम्स टू डार्क दैट इट कैन ग्रो नो डार्कर, हर चीज़ों में उसको डार्कनेस सेंसेशन फील होती है, अंधेरा फील होती है। नेगेटिव थिंकिंग जो बोलते हैं ना, वो लिलियम टिग्रीमम, लाइकोपोडियम और पल्सेटिला, ये तीन दवाएं में जिनको अपने चारों तरफ अंधेरा ही नज़र आता है, मतलब एक तरह का नेगेटिव थिंकिंग है। और नेक्स्ट है एज्यूम्स स्ट्रेंज एटीट्यूड एंड पोजिशन इन द बेड, खुद को बिस्तर पे अलग अलग पोजिशन में पाना, मतलब ऐसा फील करना कि कोई और इंसान है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, बदल जाता है, प्लम्बम मेटालिकम का स्पेसिफिक लक्षण है। नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ शार्प पॉइंटेड थिंग्स, बहुत ही नुकीली चीज़ों में उसको हमेशा डर लगाता है, कुछ भी देख ले उसको डर लगा जाता है। स्पाइजेलिया और साइलिशिया में खास करके जो नुकीली पिंस होती है उनका भय रहता है। ये पेशेंट आपको बताएगा क्लिनिकली, तो आप इन दोनों के बारे में ज़रूर सोचना, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है। नेक्स्ट है फेंट एंड वीक स्पेशली व्हेन गोइंग डाउनस्टेयर्स कैन गो अप वेल एनफ, ऊपरी तरफ चढ़ने से उसको अच्छा लगता है लेकिन नीचे सीढ़ी से उतरते वक्त या पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त, कहीं भी ऊंचाई से नीचे उतरते वक्त उसको डर महसूस होता है। स्टानम और बोरेक्स में उसका ऑपोजिट, जो नीचे उतरने से उसका अच्छा महसूस होना, ये ऊपर चढ़ने से उसको प्रॉब्लम फील होना, ये कैल्केरिया कार में है, उसका ऑपोजिट है स्टानम मेटालिकम और बोरेक्स का। नेक्स्ट है नेचुरली ऑफ ए स्वीट डिस्पोजिशन नाउ ऑन बॉर्डरलैंड ऑफ इंसैनिटी, पहले अच्छा था लड़का या लड़की अच्छी थी, फिर अब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, पागलपन के हद तक जा रहा है, तो ये ट्यूबरकुलिनम का लक्षण है, ट्यूबरकुलर माइजम का एक पर्टिकुलर लक्षण है, तो ट्यूबरकुलिनम दे सकते हैं। हेरिडिटरी टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म, उनके बहुत बाप दादाओं के ज़माने से सारे के सारे शराबी हैं, अल्कोहलिज्म पुरखों से है। सिफिलिनम, असरम, सोराइनम, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है जो बढ़िया रेस्पॉन्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैनॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, एसिडिक एसिड, अमोनियम कार, पीठ के बल वो सो नहीं पाती या सो नहीं पाता, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता है, पीठ के बल सोने से उसको अच्छा लगता है, आर्सेनिकम एल्बम, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, मोर टायर्ड ऑन राइजिंग देन वेन रेस्टिंग, सुबह उठने से उसका थकान बहुत ज़्यादा महसूस होना, ठीक है, रेस्ट करने से उसको आराम मिलना, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, ठीक से नींद नहीं आता, ये जो सिम्टम है मैग्नीशिया कार, ब्रायोनिया, कोनियम, हिपरसल्फ, ओपियम और सल्फर में है, उसको टाइड ऑन राइजिंग, उठने से उसको ज़्यादा ख़राब महसूस होता है सुबह का वक्त खास। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कैनॉट गेट ए स्लीप अनलेस लेग्स आर क्रॉस्ड, उसको नींद ही नहीं आती जब तक वो पैरों को आपस में जोड़ के ना रख ले, क्रॉस करके ना रख ले, और उसका पर्टिकुलर मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। कैनॉट रीड व्हेन ही राइड्स, वो पढ़ नहीं पाता, जब तक वो लिखता रहता है वो पढ़ नहीं पाता, जो भी लिखता है वो बिल्कुल उसको पढ़ नहीं पाता, क्या लिखता है क्या पढ़ नहीं पाता वो पर्टिकुलर उसका ब्रेन के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो लाइकोपोडियम प्रॉपर उसका जो मेंटेनेंस होना, जो प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए ब्रेन में वो नहीं होता। फील्स द डेथ इज नियर एंड मस्ट हरी टू सेटल अफेयर, मौत बहुत करीब है और अपने सारे प्रॉब्लम्स को जरूर जल्दी जल्दी सॉल्व कर देना चाहता है, पेट्रोलियम का लक्षण है। ऑलवेज वॉशिंग हैंड्स, हमेशा हाथों को धोना सिफिलिनम का लक्षण है, ये स्पेसिफिक मेडिसिन के डॉक्टर विलियम बोरिक के हिसाब से। नेक्स्ट है एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड ग्रीफ टेरर कॉन्साइंस एंड फ्रॉम ड्यूटी नॉट डॉन और बैड एक्ट ऑफ कमिटेड, मतलब उसको हमेशा भय और दुख लगा रहता है, उसको दिमाग में वो घूमता रहता है ताकि क्यों किसी लिए वो प्रॉपर अपना ड्यूटी नहीं निभा पाया और कुछ खराब उसने कर दिया, तो उसको हमेशा से गिल्टी फील होती रहती है, एक अंदर ही अंदर घुटन होती रहती है, ये पर्टिकुलर लक्षण आपको साइक्लामेन में मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, स्लाइड्स के माध्यम से हमने जाना कि मेंटल की नोट्स जो है कैसे हम उसको प्रॉपर तरीके से जाने, कौन कौन सा टॉप मेडिसिन से मैंने इसमें बताया है, आप अच्छी तरह से सीखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ये चीज़ें जानकर आपको जो प्रेस्क्राइब करने का जो टेक्निक है बहुत ईजी हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक मेडिसिन को बारीकी से देखिए, लिमिटेड 3-4 दवाइयों में है, उनके अंदर उनके सिम्टम्स देखिए, पेशेंट के सिम्टम्स देखिए, अगर 3 से 4 सिम्टम्स मैच कर रहा है, एलेंस की नोट हो, बोरिक हो, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है मैच कर ले, आप उसको दे सकते हैं। पोटेंसी का बात मैं बता दे रहा हूँ, पोटेंसी
अगर एक्यूट है तो 30 potency में बार बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि वो कम हो जाए आपका प्रॉब्लम, धीरे धीरे उसको रिड्यूस करके बंद कर देना। फिर क्रॉनिक केसेस में 200 का सिंगल या दो डोज और 1 mg का सिंगल डोज यूज कर सकते हैं 15-10 दिन के गैप में। ज़्यादा 200 1 mg का रिपीट नहीं करना, उसमें एग्रावेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉपर पोटेंसी एक्यूट और क्रॉनिक के लिए था। जो माइजमेटिक डिजीज है उसके लिए आपको 200 या 1 mg का सिंगल डोज काफ़ी है, जो कि माइजमेटिक बैरियर को ख़त्म करता है ताकि बीमारी बहुत तेजी से आपका क्योर की तरफ बढ़ सके। तो ये सिस्टम है। बहुत सारे मेडिसिन के बारे में हमने जिक्र किया है, वीडियोस बहुत बन चुका है इसके बारे में, आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिए। हर एक वीडियो को सर्च करके आप मेरा नाम के साथ देख सकते हैं यूट्यूब में, सर्च में जाकर और आपको मिल जाएगा। और भी कुछ नहीं बना है तो मैं उसका भी बना दूंगा, और फ्यूचर में ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो उस पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। मेरा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, उसमें हम डिजीज के ऊपर सीरीज बनाते हैं, उसको भी मिस मत करना, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। और ये जो मेरा पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाणी, इसमें हम प्रॉपर क्लिनिकल मटेरियल मेडिकल के ऊपर सीरीज बना रहे हैं, तो बेहतरीन एक से एक वीडियोस बनेगा आने वाले दिनों में, तो ज़रूर बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।